हेलो एवरीवन, चलिए बनाते हैं नींबू पानी। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको काला नमक ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिया है पुदीना। पुदीना को मैंने बारीक बारीक काट के ले लिया है। उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी नींबू को निचोड़ के। मैंने एक नींबू लिया है, दोनों को टुकड़ों में काट के दोनों को अच्छे से निचोड़ दिया है। उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी ठंडा ठंडा पानी। आप चाहे तो इसमें ना नॉर्मल वाटर ले सकते हैं, या नॉर्मल वाटर डाल के उसमें आइस डाल सकते हैं, आपकी मर्जी। आप जैसे भी डालना चाहिए, या इसमें सोडा डाल सकते हैं, आपको जैसे बनाना हो वैसे बना सकते हैं। लेकिन सिंपल तरीके से मैं बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने ठंडा पानी डाल दिया है। फिर उसके बाद इसको डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमारा नींबू पानी बनके तैयार हो जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है जब आप कभी धूप से आ रहे हो और ये बना के पी लो, तो आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलती है और बहुत मज़ा भी आता है इसे पीते टाइम। खट्टा खट्टा लगता है तो अच्छा लगता है। यहाँ पर मैंने एक नींबू इसके अंदर डाल दिया था कि अच्छा दिखे, तो वो अंदर ही जाके बैठ गया। यहाँ पर मैंने इसको कर दिया अच्छे से मिक्स। और उसके बाद ना इसको हमारा मतलब हमारा नींबू पानी है जो वो अच्छे से तैयार हो गया। उसके बाद मैंने पुदीना की पत्ती लाई थी डेकोरेशन के लिए, वो भी अंदर ही जाके डूब गई थी। तो इसको अच्छे से ना हमने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको जा रही हूँ पीने। आप भी बनाइएगा ज़रूर और इसको भी पीजिएगा। तो डेकोरेशन कर देते हैं थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे मैंने नींबू लगा दिया है। अब आप भी बनाइए। बाय।